गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपको दिख रहा है केक, और आज है मेरा बर्थडे। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं काट रही हूँ केक। अब इतनी सुबह सुबह केक इसलिए काट रही हूँ कि ये रात को आ गया था लेकिन काट नहीं पाए, तो अभी मैं काट रही हूँ। और जल्दी जल्दी इसलिए क्योंकि हम सब लोग रेडी हैं पचमढ़ी ट्रिप पर जाने के लिए। अभी है हम लोगों की बस, और इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी केक खाएंगे। ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा बड़ा बेटा है, और अब मैं खिलाऊंगी रोहित को केक। और रोहित सेल्फी ले रहे हैं और मैं बड़बड़ा रही हूँ कि मुझे किसी ने केक ही नहीं खिलाया, मैंने ही सबको खिला दिया। तो ये रोहित खिलाएंगे मुझे केक, और ये आप लोग भी खा लीजिए केक। हैप्पी बर्थडे टू मी। और अभी हम लोग हैं बस में। ये देखिए, ये है पुनासा का डैम। मैंने सोचा बस में से भी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। और बस में थोड़ा बहुत इंजॉय करते हुए, ठंडा पीते हुए हम लोग जा रहे हैं। बारिश का मौसम हो चुका है, शाम के 4 बज रहे होंगे। हम लोग बस में हैं, तो बस में से ही मैंने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की है, वीडियो बनाए हैं। तो ये देखिए, हवा बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही है और पानी आने वाला है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं आया है, हल्की सी बूंदाबांदी हुई है। लेकिन आंधी हवा के चलने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पुनासा से कुछ आगे। ये देखें, यहाँ पर लगभग 4 से 5 खंभे बिजली के, बड़ी लाइन के, गिर गए हैं तूफान आने के कारण, और उनके तार ये गिरे हुए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करवा दिया गया है। और ये कार का एक्सीडेंट हो चुका होगा बहुत टाइम पहले, जो पड़ी हुई है। ये जो मेन लाइन है वो नीचे आ चुके, इसके तार नीचे आ चुके हैं, ये खंभा पड़ा है। और हम लोग शायद कुछ ही दूरी पर होंगे। ये देखिए, ट्रैफिक जाम हो गया था, लगभग आधे घंटे हम लोगों को वेट करना पड़ा। और ये दूसरी गाड़ियाँ इस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल के जा रही है। तो थोड़ी सी परेशानी के बाद अभी हम पहुँचे हैं सलकनपुर। ये है सलकनपुर माताजी मंदिर का प्रवेश द्वार, यहाँ से आप जा सकते हैं, बहुत ऊंचाई पर है। और यहाँ पे हम लोग सलकनपुर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम पहले होके आ चुके हैं सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोग पानी पताशे खाने का एंजॉय ले रहे हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं होशंगाबाद घाट पर। रात का समय है, लगभग शाम हो गई थी हमें 7-7:30 बजे। तो हमने रूम लिया, सामान रखा, और हम लोग आ गए हैं घाट पर। थोड़ा टाइम हम यहाँ बैठेंगे। और ये सेठानी घाट कहलाता है, जो मेन घाट है। और इसकी एक कहानी भी है कि ये सेठानी घाट क्यों कहलाता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब अंग्रेज़ों का राज था भारत में, तब यहाँ पर घाट वगैरह नहीं बने हुए थे। तो सभी भारतीयों को नर्मदा नदी में नहाने के लिए कीचड़ में से उतर के नहा के और फिर वापस आना पड़ता था। तो इस तरह अंग्रेज़ लोग देखकर हम लोगों को हंसी उड़ाते थे कि ये लोग कैसे हैं, कीचड़ में नहाते हैं। तो उस टाइम पे एक अंग्रेज़ था, बहुत ही अच्छा दिल वाला होगा शायद, उसने यहाँ की जो एक सेठानी थी, ज़मींदार लोग कहलाते थे पहले उस समय, उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप के पास थोड़े बहुत पैसे हों तो हम यहाँ पर छोटा सा घाट बनवा सकते हैं, ताकि कीचड़ में से ना जाना पड़े नहाने के लिए। तो सेठानी जी भी बहुत दयालु थी, तो उन्होंने हामी भर दी, और लगभग शायद 15 से 18 हज़ार रुपये उन्होंने दिए इस घाट को बनवाने के लिए। और उस अंग्रेज़ ने भी ईमानदारी से घाट बनवा कर, सब काम करवा कर, जो बचे पैसे थे वो भी वापस किए। तो इस तरह की कहानी है। और इसके बाद हम आ चुके हैं खाना खाने, और ये लोग हम शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहे हैं थाली से। और ये सुबह का टाइम है,
हम लोग फिर से घाट पर आ गए हैं नहाने के लिए। शाम को सिर्फ ऐसे ही 10-15 मिनट आए थे बैठने के लिए, देखने के लिए नज़ारा यहाँ का, और अभी हम लोग सब स्नान कर रहे हैं। और ये देखिए सुबह में ऐसा दिखता है होशंगाबाद का सेठानी घाट, और शाम को मैं आपको ये स्टोरी बता चुकी हूँ। तो अंग्रेज़ों में भी कुछ कुछ लोग दयालु होते थे जो इस तरह से हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, और अगर वो अंग्रेज़ नहीं होता तो शायद पहले ये घाट नहीं बना होता। और यहाँ से वहाँ तक बहुत लंबा घाट है ये, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी यहाँ पे घाट बनवाया गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ है होशंगाबाद में, ये देखिए मिस्टर बीन कैफ़े। मिस्टर बीन के कार्टून्स तो आपने देखे होंगे। तो चलिए अब ये होशंगाबाद को हम बाय कहते हैं, और अब हम यहाँ से बढ़ेंगे पचमढ़ी के लिए। सो गाइस बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।